साहब जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए और महिलाओं की रक्षा करने वाला वो पुलिस जो है, वो दरोगा जो है और वो छोटा दरोगा या चौकीदार का है, अगर महिलाओं के आबरू पर नजर गड़ाने लगे और उनकी रक्षा न करके उनको हवस का शिकार बनने लगे, तो क्या उनको इंसान कहा जाएगा या उनको हैवान कहा जाएगा? अब जितने भी दर्शक हैं, जितने भी बंधु हैं, आप समझ सकते हैं हमारे साथ एक महिला है जो एक चौकीदार जो है, जिसे छोटा बाबू भी कहते हैं, उसने जो है इस महिला का जो है हवस का शिकार बनाया है और इनको जो है प्यार के झांसे में लगकर शादी करने के लिए वचन देकर जो अपने वचन से मुकर जाता है और इनको 2.5 वर्ष तक अपने साथ रखता है और उसके बाद उसका मन भर जाता है। मतलब खिलौने से जब तक मन भरा तब तक खेले और जब मन पूरा भर गया तो खिलौने को फेंक दिए। वो हालत जो है कल्याणपुर थाने के छोटा दरोगा यानी चौकीदार ने जो है इनके साथ हरकत किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कलयुग में जो है जितने भी रक्षक हैं वो भक्षक बनते जा रहे हैं और जिस पुलिस में विश्वास किया जा रहा है वो अविश्वासी होते जा रहे हैं। ये महिला बताएंगी कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ था। मैं आप हरसिद्धि थाना का चौकीदार था, राजेश गोविंदापुर का है। राजेश नाम है जी? जी गोविंदापुर का है। गोविंदपुर के राजेश है जी। कौन से पद पे है वो? हरसिद्धि थाना के चौकीदार है। चौकीदार है, अभी कहाँ पे वर्तमान में है? हरसिद्धि थाना पे, चूँकि अभी थाना पे है नहीं, चूँकि उसके ऊपर तो 3-4 मुकदमा है, अभी वो थाना पे है नहीं, लेकिन फिर भी हरसिद्धि थाना के थाना प्रभारी कल भी उनको ड्यूटी दिए थे। जी जी जी। और थाना का गाड़ी चलवाते हैं जबकि उनके ऊपर कई मुकदमा है। कई मुकदमा है जी, मतलब एक पुलिस अधिकारी के ऊपर जो है कई मुकदमे है और फिर भी वो काम कर रहा है। जी जी। तो किस हिसाब से जो है वो पुलिस ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, उसको तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए कि एक पुलिस के ऊपर जो है कई कार्रवाई जो है हो चुकी है, कई मुकदमे हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है इनके चक्कर में कब से पड़ गई? देखिए 2019 में। 2019 में जी जी। चूँकि ये हमारे हस्बैंड को फोन नंबर लेके और फोन करके 3-5 बोल के वहाँ से तलाक हमारा दिलवा दिए। आपके हस्बैंड से आपका तलाक उन्होंने दिलवा दिया जी? क्या नाम बताइए ऑफिसर का? राजेश। ये बताइए राजेश ने क्या किया? आपके हस्बैंड को फोन किया, आपको परेशान किया, उसके बाद आपके हस्बैंड से आपका तलाक करा दिया जी। तलाक कराने के बाद में वो मुस्लिम बन के, हिंदू ना, हमको नहीं पता था वो हिंदू बना भी नहीं था, क्योंकि अपना वो अब्दुल वाहिद नाम बताता था। अब्दुल वाहिद नाम बताता था, राजेश बना अब्दुल वाहिद जी। उसके बाद में वो अपने पिता का नाम भोला मियाँ बताते थे जी। वहीं का एक ठो कमरुल नाम का लड़का है जी, जो जी। उनसे भी बात कराया था कि देखो ये मेरा भांजा है। वो कमरुल भी बोला कि नहीं नहीं मेरा मामा है। मामा है। तो हम विश्वास किए, उसके बाद पटना मस्जिद में जाके निकाह किया। पटना मस्जिद में हरसिद्धि से पटना चली गई आप लोग जी, जी। निकाह किया सब्जी बाग में। उसके बाद में फिर बोला तो फिर आपने उससे निकाह कैसे कर लिया आप अपने पति को छोड़ के? ये सवाल आप पे जाता है। वो तो तलाक दे चुके थे ना जी, वो तलाक दे चुके थे हल्ला हंगामा को जैसे अपना बोले कि उसे अच्छा है कि जो यहाँ रह के हमको हल्ला हंगामा होगा, सब तरफ से मैंने दबाव होगा, तो उसे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाए जी। उसके बाद में फिर शादी करके जब उसके बाद मैं विरोध की कि नहीं आप तो हैं, तो बोले हिंदू घर से हैं लेकिन मुस्लिम बन चुके, एक साल मेरे साथ मुस्लिम बन के रहे जी। एक साल आपके साथ रहा हिंदू, मतलब व्यक्ति जो है वो मुस्लिम बनकर आपके साथ एक साल रहा जी। उसके बाद बोले कि नहीं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में जाके रक्सौल कोर्ट में हमसे 100 अपडेट भी बना कि हम शादी करके हम अपने बढ़िया से रखेंगे। जो भी मेरे पास 4.5 लाख रुपया था वो ले चुके हैं। आपने उनको 4.5 लाख रुपया दे दिया था क्यों, किस लिए? वो मैंने ले रहे थे कि मैंने कहीं जमीन का बात करके, कहीं कुछ का बात करके, शादी हो गया है तो अब साथ में रहना है तो कुछ जमीन उमीन खरीदा जाए जी, कि जमीन का बात इधर किए हैं उधर किए हैं, ऐसे कर करके पैसा बहुत मैंने ले लिए मेरा। उसके बाद में फिर उनका क्या बोलते हैं, उनका गोविंदगंज थाना से लूट कांड किए थे जी, जी। इसमें उनका केस हो गया जी, उनका भाई भी जेल गया था और ये भाग गए। उसके बाद में उसके बाद में हमसे फिर 5 लाख का डिमांड किए कि 5 लाख रुपया दो तभी तुमको रखेंगे, केस में लग रहा है। हम बोले कि देखिए मैं तो घर भी छोड़ी, पैसा भी जो था ले ही ली, अब कहाँ से देंगे? उसके बाद में आके 4-5 आदमी, उनकी पत्नी, उनकी भाहो और दो आदमी और था, सब लोग बहुत मारा पीटा लोग। आपको मारा भी गया? मतलब राजेश के घर के परिवार वाले जो है वो आपके मारे पीटे भी? बहुत मारे थे, बहुत। मैं चलने के काबिल नहीं थे, यहाँ सदर अस्पताल में मेरा इलाज भी हुआ था जी जी। और जो भी हम जेवर पहने थे छीन लिए लोग, सारे जेवर गहने भी आपसे छीन लिए जी जी। कान में पहने थे, घेट में पहने थे और नाक में था, तीनों निकाल लिया जी जी। मार के निकाला, पूरा खून है, पूरा लथपथ है, सब कुछ पता है। मेरा इलाज भी हुआ था। उसके बाद में फिर दो वो सब होने के बाद में मेरा आज महिला थाना में गया जी जी। लेकिन क्या 2 महीने बाद FIR हुआ, उसके बाद क्या हुआ अब तक मेरे को पता नहीं, अभी तक नहीं पता। मतलब महिला थाने में जाके आपने याचिका दायर की और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कब आपने याचिका दायर किया था?
लगभग 2021 में, 2021 में, और ये 2022 चल रहा है। बताइए, एक महिला जो है अपने इंसाफ के लिए महिला थाना में जाकर दायर जो है वो करती है, और लगभग एक साल बाद भी जो है एक महिला आयोग या महिला थाना जो है अभी तक महिला को इंसाफ नहीं दिया है। उसके बाद क्या हुआ, सुरेश पासवान आईओ थे, वो कहीं कहीं से झूठा गवाह लगा के मेरा बेल करा लिए। जी जी। उसके बाद में जो जिनका गवाह लगा था वो हमको भी लिख के दिए हैं। जी जी। कि नहीं, हम वो हमसे कोई पुलिस प्रशासन नहीं पूछताछ किया, ये गलत मैंने गलत वो करके मैंने अथी कर दिए, उनका बेल दिए। जी जी। उसके बाद में फिर 2 महीने बाद ये फिर बुला गया, हम कर्जा भी ला के उनको राजेश पासवान को दिए थे। जी। तो वो पैसा वाला टॉर्चर मेरे को करता था लोग, तो फिर इनके पास मैं बहुत कॉल करती थी कि उन पैसा वाला को पैसा कम से कम दे दीजिए। तो उसके बाद में बोले कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग अब अच्छा से रहेंगे, जो भी दिक्कत हुआ एक बार हो गया गलती माफ करो, कि तो पैसा वाला को चलो पैसा दे देना है। तो ये अपने फिर घर बुला के लेगा, घर बुला के लेगा, तो ये शाम में खाना पीना खाने के बाद ये बोले कि किरासन तेल डाल के हमको जलाने का कोशिश किया। मतलब वो आपको फिर से बहला फुसला के घर ले गए, और इस बार प्लान था आपको मार देने का। जी। उसके बाद किरासन तेल डाले, मैं हम शोर मचाई, उसके बाद में लोग बगल में बहुत सारा घर है वहाँ सब लोग निकला, लोग तो थाना प्रभारी को फोन किए। जी जी जी। और थाना पे आए तो थाना के लोग ही हमको लेके गए, लेके गए, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं की। प्रमोद पासवान उस वक्त ये थाना प्रभारी थे। जी, जी जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 2 महीना के बाद फिर दहेज वाला ही मैंने उसमें अथी लगाया, केस का दफा लगाया, लेकिन जो हमारे साथ घटना हुआ वो नहीं लगा, वो नहीं लगा। जी। उसके बाद भी आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। और इसी दौरान में ये समीम मोहम्मद का कोई नंबर दिया कि अपना मुस्लिम है, आपका हेल्प करेगा कि उनसे बात कीजिए। उसके बाद इनसे आपको नंबर मिला? जी, हमको नंबर मिला, गाँव का ही लोग दिया कि आपके ही ब्रदर का लोग है, वो आपका हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे। जी। उसके बाद में फिर बोले कि अच्छा ठीक है, ये हम इनके पास कॉल किए, समीम मोहम्मद को। ये कहाँ के हैं? कल्याणपुर थाना के जमदार हैं। कल्याणपुर थाना के जमदार हैं, रोहतास जिला के रहने वाले हैं, विक्रमगंज में इनका घर है। जी, जी। और सुल्तानगंज में पटना में भी अपना घर बना चुके हैं। जी जी। उसके बाद में ये सब करने के बाद ये मुतिहारिये में आए थे कोर्ट में, किसी लड़की का बयान दिलवाना था। जी जी। और वो महिला सिपाही भी थी वहीं के साथ में ही हमको बुला के लेगा कि चलो थाना पे तुम्हारा कुछ बयान लेंगे। यहाँ पे थाने पे? जी, हरसिद्धि थाना, हरसिद्धि बुला के लेगा। हरसिद्धि लेगा तो बोला कि थाना पे बहुत सारा लोग है कि चलो तुम डेरा पे चलो। जी। तो डेरा पे बुला के लेगा। जी जी। डेरा पर ले जाने के बाद कहाँ पे है? हरसिद्धि में था, हरसिद्धि में डेरा, बाजार में ही था। जी जी। उसके बाद क्या किए कि बोले कि नाश्ता कर लो, मैं बोले नहीं सर मेरा बयान लीजिए हम जाएंगे। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है तुम चाय पी लो, मैं उस वक्त चलने के काबिल भी नहीं थी, बहुत तबीयत खराब था, मैंने मार कर ही अथी था। जी जी। उसके बाद में ये बोले चाय पीने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। आपको चाय पिलाए? जी, चाय पिलाए, उसमें हमको नशा पिलाए, चाय में चाय पिलाए, मतलब आपको चाय पिलाया गया, उसके बाद आप बेहोश हो गए, क्या हुआ कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। देख लीजिए, औरत को गोविंदपुर के है वो? नहीं, हरसिद्धि के है, हरसिद्धि का जमदार है। जी। समीम अहमद, वही पिलाए थे। जी, हरसिद्धि के जमदार समीम अहमद है, देख लीजिए, समीम अहमद जो हरसिद्धि के है वो इनको अपने घर पे ले जा रहे हैं क्या कराने के लिए, बयान लेने, बयान लेने के लिए। जबकि एक महिला को जो है कोई भी पुलिस अफसर अगर पकड़ता है तो किसी महिला पुलिस के साथ जो है थाने में ले जाकर जो है बयान दर्ज किया जाता है, लेकिन इनका बयान जो है घर पर ले जाकर दर्ज किया गया। ये कैसे पुलिस अधिकारी हैं कि इन महिला को जो है घर पर ले जाकर बयान दर्ज किया जाता है और इनको चाय में जो है कोई नशीला पदार्थ खिलाकर जो है बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद मेरे साथ गलत किया, गलत का वीडियो बना लिया। आपके साथ गलत व्यवहार भी हुआ था? जी, वीडियो बना लिया। 2:30-3 बजे मेरा आँख खुला, तब मैं शोर मचाई कि देखिए, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो आपके साथ रेप किए थे, सीधा सीधा तौर पे। देख लीजिए, इनको बेहोश भी कर दिए और बेहोश करने के बाद रेप भी किए, सही बात है कि नहीं? जी जी। उसके बाद में जब मेरा आँख खुला तो मैं शोर मचाना चाह रही थी, तो बोला कि चुप रहो मुंह बंद करो, कि नहीं तो ये देखो मोबाइल खोले वीडियो दिखाने लगा। मोबाइल में वीडियो भी बना लिया था? वीडियो के डर से हमको 2 महीना रखे कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुमको वहाँ उसके पास नहीं जाए, हिंदू है, गंदा खाता है, ये वो बहुत तरह का बात करके, और तुम अगर उसके पास जाएगी चाहे अगर किसी को कहेगी मुंह खोलेगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल। वीडियो के डर से 2 महीना में डर के रही। आप वही पे रह गए 2 महीना तक, कैदी की तरह बन के घर में ही रह गए, रोते कलपते रह गए।
उसके बाद में खाली बोलते थे कि नहीं रोना नहीं है तुमको, तुम्हारा उस 2 महीने के बाद बोलने लगे कि तुम्हारा जीवन हम कटाएंगे, हम शादी करेंगे, हम रखेंगे हिंदू। अभी मतलब एक से क्या कहता है आसमान से गिरे नहीं कि खजूर में अटक गए। जबकि मैं बोली कि देखिए एक जगह तो मैं दर दर के ठोकर खा रही हूँ, फिर दोबारा सर क्या हमारे साथ करे, चूंकि वो हमारे उम्र के भी नहीं है, जी जी एजेड भी है। उसके बाद बोले कि नहीं देखिए एक जगह मेरा गुजारा नहीं हुआ तो फिर आपके पास भी नहीं, आपके पास भी तो बीवी बच्चा है ना। बोले नहीं मेरे पास उतना औकात है, मैं खिला लूंगी, मैं तो दरोगा हूँ, उसके जैसे थोड़ा हिंदू थोड़े हैं मुस्लिम है, कौम कौम के लिए जान देता है मेरा, तुमको हाँ सही रास्ता पलाएंगे। मतलब वो आपको बहलाने फुसलाने लगा, आपको साथ रखने लगा। जी 2 महीने के बाद तो फिर हम भी मान गए कि अच्छा चलो वहाँ तो वो लोग नहीं रखेगा लोग, कि हमको भी तो मैंने रहने के लिए आना चाहिए जी। उसके बाद में 11 महीना तो हम हरसिद्धि में रहे, हरसिद्धि में उनके साथ 11 महीने तक रहे आप। जी उसके बाद में मोतिहारी में भी उनका डेरा था अगरवा में, वहाँ भी रहते थे जी, जी। जब आते थे तो लेके साथ में ही आते थे, साथ में ही जाते थे, साथ में ही हमेशा रखते थे जी। उसके बाद में फिर कल्याणपुर जमीन का बदली हुआ, थाना पर मारपीट ही हुआ जी, जी। मारपीट में ही प्रमोद पासवान का भी सस्पेंड हो गए और इनका भी बदली हो गया। मतलब वो हरसिद्धि से जो है कल्याणपुर आ गए जी, कल्याणपुर चले, कल्याणपुर भी हम 2.5 महीना रहे जी जी, जो बंधन बैंक है उनके ऊपर उनके मकान में, कल्याणपुर बंधन बैंक के ऊपर 2.5 महीने उनके साथ जी जी। चूंकि वहाँ से भी बयान मेरे पास वीडियो है जो महिला विकास मंच की जो मैडम आई थी जी जी जी, और वो वहाँ रखने के बाद जब हम दबाव बनाने लगे, एक बार तो हरसिद्धि में बोले कि नहीं हम निकाह कर चुके हैं, मैं बोले कि नहीं झूठ बोल रहे हैं जी जी, तो बोल रहा कि नहीं तुम चलो इमाम साहब से बात कर लो। इमाम साहब से भी बात कराए थे, बोले इमाम साहब कि नहीं हम निकाह पढ़ा दिए, टेंशन मत लीजिए। निकाह किनको पढ़ा दिया गया था? समी मोहम्मद को, बस मेरे से कोई पूछताछ नहीं जी। मतलब इमाम साहब स्वामी मोहम्मद को निकाह पढ़ा दिए, शादी हो गया? हाँ ऐसे बोले तो हम बोले कि नहीं ये कौन शादी कर ली, ये कौन निकाह किए हैं कि जो मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुआ, मेरे से कोई शान नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को दुनिया वाले को जनाना है, तुमको विश्वास नहीं है, चलो हम वहाँ अति इमाम साहब से बात करा देते हैं। जी, तो वो जाके बात करा जी, तो इमाम साहब भी बोले कि नहीं हम निकाह पढ़ा दिए, बोले कि दुनिया किसी को जनाना नहीं, चुपचाप करना है कि विश्वास कीजिए मैडम। तो हम फिर उनसे ज्यादा हम बात नहीं की जी, हम जैसे साथ रहने लगे। देखिए इनको हम बोलते थे कि जब अगर आपको रखना ही है तो फिर जायज रिश्ता कीजिए, तो वही आके बोले तो फिर हम चुप हो गए। फिर इधर हम 5-6 महीने से बोलने लगे कि देखिए अगर आपको कुछ हो जाता तो किस प्रूफ पर हम कहेंगे कि हाँ हमारी हमारे पति हैं, ये पति है या आपसे शादी हुई, हाँ कि हमारा कुछ प्रूफ बनाइए ना। उसके बाद ये भागने लगे, मतलब ये धीरे धीरे पीछे हटने। जब आपने दबाव डाला कि आप किसी लीगल प्रोसेस के द्वारा जो है आप मुझे पत्नी का दर्जा दीजिए, तो वो पीछे हटने लगे जी, पीछे हटने लगे जी। और बहुत तो उनका रिक्वेस्ट पहले किया कि नहीं मेरे साथ गलत नहीं कि हम तो एक जगह मैं अपना लड़िए रहे हैं, फिर दूसरा जगह तो नहीं कुछ नहीं होगा ये होगा। जब इनके मारपीट हुआ ना थाना में, तो उसके बाद चौकीदार से मिल गए जमदार समी मामा, चौकीदार और जमदार दोनों एक हो मिल गए उनके पास, चौकीदार से पैसा लेके जमदार मिल गए जी। और जब से हमको कहीं जाने नहीं दिए, नए एसपी डीएसपी के पास कहीं हमको जाने नहीं देते थे जी, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम इधर फोन करवा देंगे उधर फोन करवा देंगे, लेकिन मतलब उल्टे में आपको फंसाने का काम शुरू जी जी। उसके बाद भी कहते थे कि तुम, हम बोले कि नहीं अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम तो जाके थाना पर जाएंगे ना जी जी, तो बोल रहे नहीं कहीं अब तुम जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस तरह 2-3 महीना की है जी। उसके बाद तब इधर से हम कहें कि नहीं अगर कुछ हो या ना हो हमको न्याय मांगने जाना है, जाएंगे वो लोग का गुहार लगाएंगे, अगर लगा तो ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं भैया कि जिसके पास पैसा है उसके पास कानून है, जिसके पास पैसा है उसी के पास कानून और अधिकार सब है जी, जिसके पास कोई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है। चूंकि थाना पे जब हम सुबह से शाम तक बैठे रह गए, हम पेट्रोल लेके बैठे थे कि आत्महत्या कर ले, कहाँ पे कहाँ पे न्याय के लिए कहाँ पे गई थी? कल्याणपुर थाना पे। कल्याणपुर थाना में आपने न्याय के लिए पहली बार गए? क्योंकि हम कल्याणपुर हमको रखे थे जी जी, इसलिए हम वही गए। वहाँ गए तो सुबह 9 बजे से बैठे, 4 बजे 5 बजे तक हम बैठे रह गए। उसके बाद में थाना प्रभारी महिला सिपाही को भेज के मेरा पेट्रोल छिनवा लिया, लेकिन मेरे को पूछे नहीं कि बाबू तुम्हारा क्या दिक्कत है कि क्यों आत्महत्या करना चाहती हूँ, एक बार भी नहीं पूछे। शाम हो गया 6 बजे तो ये क्या बोलते हैं चौकीदार के नंबर पे फोन करके थाना प्रभारी और हमको धमका रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो मार होगा, पिटाई होगा, ये होगा वो होगा। हम फिर भी बोले कि रोड पे ही रहेंगे सर, हमारा कोई जगह ही नहीं है कि मैं जाऊंगी। देख लीजिए भैया, ये कल्याणपुर थाना में न्याय के लिए जाती है, पेट्रोल आखिर में आप क्यों लेके गई थी? आत्महत्या करने के लिए गई थी, और यहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा जो है इनसे पेट्रोल छीन लिया जाता है कि ताकि ये आत्मदाह न करे, लेकिन इनसे इतना तक नहीं पूछा जाता कि आप आत्मदाह क्यों करने आए थे।
आपसे किसी महिला अधिकारी जो आए थे पेट्रोल छीनने कुछ पूछा कि आप क्यों यहाँ दुखी हो, क्यों पेट्रोल छीन रहे हैं? छीन लिया लोग जबरदस्ती, दो आदमी थे और उसके बाद आपको धमकाने लगे। उसके बाद शाम में थाना प्रभारी फोन करके धमकाने लगे जी। उसके बाद फिर भी हम वही रहे, रात तो वही काटे। सुबह में महिला मंच के मैडम है, महिला मंच के पास भी अगले दिन पहुँच जी महिला विकास, वहाँ न्याय मिला कि नहीं? नहीं, वो मैडम जो फहिमा खातून है उनसे जी, आपके के कास्ट के बताइए जी, वो आई उनके घर पे, हम गए, वो आई कल होके 29 तारीख को उनके घर गए, 28 तारीख को आई और पूरा जहाँ जहाँ हमको रखे थे वहाँ वहाँ हम लेके उनको गए, वहाँ वहाँ सब जगह बयान लिए, मकान मालिक सब बयान दिए कि नहीं पत्नी बना के रखे थे हम लोग, जान रहे हमारे रूम में रख के गई। उसके बाद फिर वो अपने उनके घर पे गए 4 दिन बाद मैडम बदल गई, 4 दिन बाद मैडम भी पलट गई जी, बोलने लगी कि नहीं आखिर में क्यों तुमको जेल होगा, ये होगा वो हो, चूंकि समीम मामा से मिल गए ना, पैसा ले लिए ना, चूंकि समीम महिला आयोग की जो महिला थी वो भी समीम महात्मा से मिलकर पलट गई पूरा पार्टी जी। उसके बाद उनके घर पे समीम मामा भी गए, मैडम फिर से आई वो अपने घर पे और वहाँ हमको दबा के धमका करके 3 गो सादा मैडम आपको धमकी देने लगी जी कि यहाँ साइन करो ना, तो यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, कोई तुम्हारा पूछने वाला ना है, कोई मार ही देगा तो क्या करेगी, बहुत तरह का बात बोलने लगी। उनके घर में हम कैद थे, दबाव थे, देखिए किसी के घर में कोई अगर मेरे घर में आप चलिएगा भैया तो कैद ही हो जाइएगा। जरूर, जरूर, जरूर। उसके बाद वो 3 गो पेज सादा था और 2 पेज लिखा हुआ था, 5 पेज पर हमको साइन कराए, साइन जबरदस्ती करवा लिया गया जी, साइन करा के ले गए हमको, बोल रहे हम बोले कि नहीं पढ़ के सुनाइए क्या कौन सी लिखा, हाँ क्या करना है आप लोग को, तो बोल रहे कि नहीं मीडिया वाला में जो है ना खंजर करना है, 3 महीना को हमको टाइम दिया फहिमा खातून के सामने कि हम निकाह करेंगे 3 महीना बाद, कि जब तक चलो मुतिहारी तुमको रूम दे के रखते हैं। उसके बाद न्याय के लिए आपने कहा, 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 कहा उसके बाद मैडम भी बदल गई और मैडम का भी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं, रखे हैं जी, और वहाँ जो जब वो लोग चले गए हमसे साइन करा के तो थाना पे भी हम फोन किए, थाना प्रभारी को भी फोन किया कि सर देखिए हमको दबा के हमसे साइन करा के ले गया है लोग, हम इसको नहीं मानते, जब तक हम थाना पे नहीं आएंगे जब तक आप कुछ नहीं कीजिएगा, उसका भी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं, लेकिन वो सब कुछ कर दिए लोग। और उसके बाद मैं थाना पर कई बार गए, जब अब जाते हैं तो थाना प्रभारी कहते हैं भागो तुम्हारा बाप का थाना है, मेरा आवेदन नहीं लेते, वहाँ से भगा दिया जाता है जी, वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद न्याय के लिए आपने कहा, कहा पे? डीएम ऑफिस में जनता दरबार में भी जाके आवेदन, डीएम ऑफिस जा चुकी है जी, डीएम ऑफिस सर क्या बोले, शीर्षद कपिल अशोक जी नहीं सर से मैडम थी, मैडम को आवेदन दिए जी, मैडम बोले कि महिला हेल्पलाइन में भेज देंगे, महिला हेल्पलाइन में भी गए थे, पहले तो महिला हेल्पलाइन में गए, वहाँ से भी मेरा नहीं लिया गया और डीएम ऑफिस में गया, वहाँ आवेदन मेरा ले लिए है। उसके बाद मेरे कोई कार्रवाई नहीं, नहीं कोई, एसपी साहब के व्हाट्सएप किए थे, उस वक्त मैं बहुत बीमार थी जी जी, और रिसीव कर लिए हैं लेकिन आज तक कोई, कल्याणपुर जब गए थे तो एसपी साहब को भी फ़ोन किए थे कि सर हम यहाँ आए हुए हैं, कुछ नहीं बोले, और डीएसपी साहब को भी फ़ोन किए तो डीएसपी साहब बोले कि थाना पे जाएँ, थाना प्रभारी कहते थे डीएसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के जी, हर थाना प्रभारी डीएसपी को, डीएसपी थाना प्रभारी जी, हर जगह से दूसरे को जो है इशारा कर, हर जगह से जाके भैया हम थक चुके हैं जी जी। और समीम अहमद यही बोलते हैं कि पुलिस का साथ देता है तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पुलिस का साथ देता है आपका कुछ नहीं होगा, कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जहाँ जब मर्जी जाओ, हम एक बार बोले कि अब तो लास्ट बच गया, इधर तो हर जगह मैं दौड़ चुकी हूँ, अब मैं रह गया कि जनता दरबार में जाएंगे मुख्यमंत्री के जी जी, तो बोले कि अरे कहीं जाएगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, कि आएगा तो एसपी साहब के पास और डीएम के पास और डीएसपी के पास, मेरा कुछ नहीं होगा जी। मतलब आप कहीं भी जाके अगर जो है गुहार लगाती हैं और वहाँ से कार्रवाई होती है तो ये यहाँ पे मैनेज कर लेंगे जी, यहाँ पे मैनेज कर लेंगे उनका, चूंकि देखिए थाना प्रभारी इसलिए उनका मेरे पक्ष में कैसे रहेंगे, थाना प्रभारी के बच्चा को स्कूल पहुँचाना है, उनका दूध पहुँचाना है, समीम अहमद पहुँचाते हैं जी जी, तो मेरा साथ देंगे या उनका साथ देंगे, हम तो यही कहते हैं पुलिस प्रशासन लोगों से कि जाँच करे, तीनों आदमी का जाँच करे, अगर हम गलती है तो मेरा सजा हो जी जी, सजा जिसका गलती होगा वही सजा भोगेगा ना। अभी आपको किन पे भरोसा है, चले प्रशासन से तो जो आपका भरोसा उठ चुका है, वर्तमान में किन पे भरोसा है जो आपको न्याय दिला सकता है? हम तो एसपी साहब से यही कह रहे हैं कि मेरा जांच कीजिए और एसपी साहब जो भी मेरा न्याय दिलवाते हैं उस पर हम मंजूर है जी जी। अब आप समझ सकते हैं बंधु, महिला जो है पूरी तरीके से जो है प्रशासन के पास निवेदन कर करके थक चुकी हैं, और लेकिन अभी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए हाँ, जो कि जब तक मेरा न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं जाऊंगी कहाँ, जाऊंगी उसके बाद रह गया कि अगर एक हफ्ता में मेरा न्याय ना मिला, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुआ जी जी, देखिए वो मेरे को खोज भी रहा है, मेरा कभी भी हत्या हो सकता है, समीम आपका हत्या भी करा दिया जा सकता है, चौकीदार और जमदार दोनों हमको खोज भी रहा है, मेरा मोबाइल छीनने के लिए भी, और ये मोबाइल में जो भी थोड़ा सा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो उसको मिटाने के लिए, और मेरा हत्या भी कहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार किसी और से पता कर रहा है कि कहाँ रहती है, किधर रहती है, बताइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन हम किसी को पता नहीं दे रहा है, मैं छुप छुप के रह रही हूँ, तो अगर वो लोग तो हत्या करने के लिए खोजिए रहा है, ढूंढिए रहा है लोग, लेकिन बाकी रह गया अगर एक हफ्ता में मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ
तो फिर हम ही कहीं एसपी साहब के हो या डीएम साहब के ऑफिस में हो, कहीं बाहर हम अपना आत्महत्या हम अपना खुद से करेंगे, क्या करेंगे? मतलब आपको न्याय कहीं से नहीं मिलेगा तो अंत में आप आत्महत्या कर लीजिए। जी के क्या करेंगे भैया जी, देख लीजिए महिला जो है इस युग में जो है, जिस युग में नीतीश जी प्रशासन की बात करते हैं, मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस युग में जो है और इस अमृत महोत्सव में एक महिला जो है न्याय के लिए दर दर भटक रही है और अंत में आत्महत्या के लिए जो है ये धमकी भी दे रही है और इनका दावा भी है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या भी ये कर लेंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द जो है न्याय दिया जाए ताकि जो है ये कोई गलत कदम ना उठाए। आपसे निवेदन है कि आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा, हम लोग और पूरा मीडिया आपके साथ रहेगा। जी भैया क्या करेंगे, मजबूरी में कोई कदम उठाता ना। नहीं नहीं, आपसे निवेदन है कि कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, जब तक रहिए आपको लड़ना है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। जी चलिए, तो दर्शकों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और बाकी जो है आप सभी कृपया कर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, भले हमारा व्यूज आए या ना आए, इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो कौन सा थाना था, हरसिद्धि और कल्याणपुर, और साथ ही हरसिद्धि और कल्याणपुर के जो अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो आरोपी है उनको कटघरे में खड़ा कराकर जो है उनको फांसी की सजा जरूर मिलना चाहिए, यही हमारा सरकार से निवेदन है। जय हिंद।